Surfertum. अरे सुहानी, ये क्या किया तुमने? मैंने चाय नहीं कॉफी मंगाई थी। नहीं, तुमने चाय ऑर्डर की थी। अच्छा, यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे छोड़ ना यार, बेचारी के साथ इतना बुरा हो चुका है कि चाय और कॉफी में क्या ध्यान रहेगा इसको। बात तो ठीक कह रहा है यार। प्यार रणवीर से, शादी अंश से, मैडम आपकी लव स्टोरी एंड हो गई है, हमारा भी कोई चांस है? कॉफी के अलावा कुछ चाहिए? चाहिए तो वैसे बहुत कुछ है, इन फिलहाल के लिए दो सैंडविच ले आइए। भाई मुझे भी। भाई मुझे भी। तीन सैंडविच। भाई सैंडविच तू खा ले, मैं जा रहा हूँ, मेरी भूख मर गई है। अरे रुकना भाई, रुकना भाई, रुकना। नहीं भाई, मेरे लेक्चर का टाइम हो रहा है भाई। नहीं क्या बोला था तूने? गलती हुई भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या चाहते हो तुम? क्यों बार बार मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? क्योंकि तुमने साथ में चलने से मना कर दिया। अगर तुम बाइक पर बैठ जाती तो हम घर जल्दी पहुंच जाते। रणवीर प्लीज मुझे अकेले रहने दो। नहीं, मैं तब तक तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम खुद अपनी लड़ाई लड़ना नहीं सीख जाती। तब तक ऐसे ही कभी तुम्हारे आगे कभी तुम्हारे पीछे चलता रहूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा हुआ रणवीर के कहने से। क्या क्या कहा आपने? सुहानी का डैश तो आई आस्क यू व्हाट हैपन? कोई एक ही दिन में लगी लगाई जॉब छोड़ता है क्या? क्या सुहानी ने जॉब छोड़ दी? पर क्यों मिश्रा जी? तेरी वजह से। एक्सक्यूज मी, क्यों तू सुहानी के पीछे पड़ा हुआ है? क्यों उसे चैन की सांस नहीं लेने दे रहा है? तुझे पता है ना, अगर तू कॉलेज आएगा उसके आसपास मंडराएगा तो वो कॉलेज नहीं आ पाएगी। रणवीर, उसने सिर्फ तेरी वजह से जॉब छोड़ी है। तुझे पता है ना, अगर वो जॉब नहीं करेगी तो फिर रेंट में और घर के खर्चे में वो हेल्प कैसे कर पाएगी? सोच क्या रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूं रणवीर।
भाई वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है ना कुंदन, वो कह रहा था कि उसने रणवीर को देखा, वो भी तेरी बाइक चलाते हुए। रणवीर? रणवीर, मेरी बाइक कहाँ है और तू मुझसे बिना पूछे मेरी बाइक कैसे लेके जा सकता है? तुझे पता है मुझे बस से आना पड़ा? जिंदगी को बस में करना है तो बस में आने की आदत डाल ले। ये जो फिलॉसफी है ना, किसी और को जाके झाड़ना। मैं बस से आऊंगा जाऊंगा नहीं, तू ये बता मेरी बाइक कहाँ है? तेरी बाइक मैंने भेज दी। ये पैसे उसी से मिले? इन पैसों से कुछ दिनों तक घर चला और ये पैसे खत्म होने से पहले एक नौकरी ढूंढ ले। तेरा दिमाग खराब हो गया रणवीर? हाँ, ऐसे कैसे तू मेरी बाइक बेच सकता है और तू मुझे बताएगा कि मुझे नौकरी करनी है कि नहीं करनी? तेरी जगह मैं होता ना तो बाइक तो क्या, तो हानि के लिए खुद को भी बेच देता ताकि वो चैन से पढ़ाई कर सके। कैसा इंसान है तू? खुद शान से घर पे बैठा हुआ है और बीवी से नौकरी करवा रहा है, ये जानते हुए कि उसकी पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है। जब तक तुझे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक पैदल चलने की आदत डाल ले। सेहत के लिए अच्छा होता है बाइक पे उस दिन से चलना जिस दिन तेरे पास खुद के पैसे हों बाइक खरीदने के। हम दोनों की टेंशन में बेचारी सुहानी फंसेगी रणवीर, क्योंकि मैं उसे बाइक से कॉलेज छोड़ने जाया करता था, लेकिन अब उसे मेरे साथ बस के धक्के खाने पड़ेंगे। सुहानी की चिंता तू करना छोड़ दे, सुहानी को कॉलेज में अपनी बाइक पर छोड़ दूंगा और तब तक तू बच के धक्के खाए या जिंदगी के, मुझे इससे क्या लेने देना। कंटिन्यू, खाना अच्छा बनाओगी तभी तो देश की बेस्ट डॉक्टर बन पाओगी। वैसे तुमने डिसाइड किया तुम्हें क्या बनना, मास्टर शेफ या डॉक्टर? घूर क्या रही हो मुझे, क्या गलत पूछा मैंने? मास्टर शेफ बनना है या डॉक्टर बनना है? क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए एक इंसान जो कुछ करता है वो सब तो तुम कर नहीं रही हो, है ना? क्योंकि तुम बहुत बिजी हो खाना बनाने में, जॉब ढूंढने में। सो फाइनली तुमने डिसाइड करा डॉक्टर बनना है या मास्टर शेफ? लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग किचन में ही शुरू करनी पड़ेगी। ओके, स्टिच इट। वैसे कैंटीन वाली जॉब तो तुमने छोड़ दी, I'm sure कहीं और भी जॉब के लिए अप्लाई किया होगा। क्या मैं जान सकता हूं तुम कहां जॉब करने वाली हो? बता भी दो, छुपा के क्या फायदा है? मुझे 7-star ट्रैवल एजेंसी में काम मिल गया है। वेरी गुड, बट अ वेरी बैड जॉब। उस एजेंसी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वहां तुम्हें क्या किसी भी लड़की को काम नहीं करना चाहिए। तुम्हारा जॉब नहीं करोगी। देखा, इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, मुझे पता था तुम कुछ ऐसे ही कहोगे। तुम चाहते हो मैं कहीं ऐसी जगह जॉब करूं जो हर वक्त तुम मुझ पे नजर रख सको, देख सको मैं क्या कर रही हूं क्या नहीं। और रही बात रेपुटेशन की, तो तुम्हारी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, एंड इन दैट केस मुझे भी तुमसे दूर ही रहना चाहिए। मैं 7-star में काम करूंगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा इंटरफेरेंस हो इसमें।
तुमसे बात कर रही हूँ रणवीर, मैं सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ। तुम वो करो जो तुम्हें ठीक लगता है, और मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। इसे कंप्लीट कर देना, लास्ट नॉट स्क्वायर नॉट होगी। रिलैक्स सुहानी, रिलैक्स। तू माता रानी का नाम ले और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख, तुझे ये जॉब तो करनी ही है ना? कैंटीन वाली जॉब तो तू छोड़ ही चुकी है। अब उस घर से निकलना है तो पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना? अच्छी तो दिख रही है, बस एक काम करो, ये ऊपर का एक बटन खोल दो। वो क्या है ना, ये इस ड्रेस की स्टाइल के साथ मैच नहीं कर रहा है। मैं तब तक तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम खुद अपनी लड़ाई लड़ना नहीं सीख जाती। सर, आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैं सच बोलू तो मैं इस ड्रेस में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप प्लीज मुझे चेंज करने दीजिए, एंड आई प्रॉमिस मैं काम में 100% दूंगी अपना। Come on, सुहानी, ज्यादा छुरमुई बनने की कोशिश मत करो। तुम क्या हो? तुम जैसी जितनी भी यहाँ पे लड़कियां हैं ना, वो सब यही ड्रेस पहनती हैं। Now, come on, फेस पर थोड़ा सही सही कॉन्फिडेंस लाओ। एंड माइंड इट, तुमने इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम इस कंपनी की सारी पॉलिसीज की रिस्पेक्ट करोगे, और ये ड्रेस उन्हीं पॉलिसी का एक हिस्सा है। अरे, जब तक तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करोगी तो कस्टमर तुमसे खुश कैसे होगा, और खुश नहीं होगा तो कंपनी की सेल कैसे बढ़ेगी, और सेल नहीं बढ़ेगी तो मैं तुम्हें और तुम जैसी बाकी एम्प्लॉइज को सैलरी कैसे दूंगा? Got it? Now do your job and keep smiling. हेलो मैडम, एक टिकट बुक करानी। क्या मस्त। मैं कहाँ के टिकट कर दूँ आपकी? आप जहाँ भेजेंगी वहाँ चले जाएंगे। हाँ, बस कंपनी अच्छी होनी चाहिए। सर, आपको मुझे डेस्टिनेशन बतानी होगी। देखिए, जाना तो सिंगापुर है, लेकिन यदि आप हमारे साथ चले तो बैंकॉक भी चले जाएंगे। हैं? सर, सर ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। और अगर ना छोड़ू तो? बहुत बुरा होगा आपके साथ। आप प्लीज चले जाइए यहां से। बिहेव योरसेल्फ सुहानी, डोंट यू नो कस्टमर तो भगवान का रूप होता है, और तुम उन्हें जाने के लिए कह रही हो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आप टिकट बुक कीजिए प्लीज। टिकट तो बुक करा लेंगे, पहले मैडम का नाम तो पूछ लें। अरे बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? तुम अंदर जाके अपनी ड्रेस चेंज करो।
तब तक मैंने नाम पता एड्रेस फोन नंबर सब बताता हूं। स्वानी अंदर जाओ। मना किया था ना तुम्हें यहां जॉब करने के लिए। अगर तुम्हें जॉब करनी है तो कैंटीन में करो, वरना अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो। इतना कुछ होने के बाद में भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, कल से मैं कैंटीन में नजर नहीं आऊंगा, लेकिन तुम सिर्फ कैंटीन में जॉब करोगे। उस हिसाब से ना सुहानी, कैंटीन सेफ है। कम से कम कॉलेज में कोई बदतमीजी करने की हिम्मत तो नहीं करेगा। लेकिन मैं समझ सकती हूँ तू वहां क्यों जॉब नहीं करना चाहती। आजा, मैं तुझे तेल लगा देती हूँ। नहीं नहीं, आजा बैठ बैठ, इसकी जरूरत नहीं है। सुहानी, जब दिमाग में ना कोई रास्ता सुझाई ना देना, तो दिमाग को शांत करना बहुत जरूरी होता है। रणवीर ना बहुत गुस्से वाला है, लेकिन औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करता है, और मुझे नहीं लगता उसके होते हुए तुझे जॉब करने में कोई प्रॉब्लम होगी वहां पर। सुहानी, अगर तू मुझे जरा भी मानती है ना, तो प्लीज दूसरी जॉब के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दे और चुपचाप ये कैंटीन वाली जॉब कर ले। जॉब भी हो जाएगी और तेरी पढ़ाई पर भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा।